तो रेसलिंग मीडिया फैमिली, जैसा आपने इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा होगा कि ट्रिपल एच ने अब कंफर्म कर दिया है कि इस साल WWE का ड्राफ्ट होने वाला है। और यहां तक कि ट्रिपल एच ने ये भी दावा कर दिया है कि इस साल का ड्राफ्ट खत्म होने के बाद WWE का गेम पलटने वाला है। तो असल में WWE का ड्राफ्ट कब होगा, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और WWE ने नेक्स्ट वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए कुछ मैचेस अनाउंस कर दिए हैं और साथ में एक सुपरस्टार का रिटर्न भी अनाउंस कर दिया है। और अभी जो मंडे नाइट रॉ आ रहा है उसके लिए WWE ने ब्रॉक लेसनर और द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स का एक सेगमेंट भी लगभग कंफर्म कर दिया है। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ट्रिपल एच ने आकर ये बोला कि WWE ने रेसलमेनिया 39 के टाइम पर बहुत सारे उनके खुद के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, फिर वो चाहे लाइव ऑडियंस का रिकॉर्ड हो या फिर वो प्रॉफिट का रिकॉर्ड हो या फिर वो टेलीविजन रेटिंग का रिकॉर्ड हो। इस साल की रेसलमेनिया के टाइम पर WWE ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। पर ट्रिपल एच ने इसके आगे बोला कि अब रेसलमेनिया खत्म हो चुका है और अब टाइम आ गया है आगे बढ़ने का। और ट्रिपल एच ने बोला कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है, और इसलिए ट्रिपल एच ने अनाउंस कर दिया कि कुछ ही हफ्तों के बाद WWE का ड्राफ्ट होने वाला है। लेकिन WWE का ड्राफ्ट कब स्टार्ट होगा, इस चीज को ना तो WWE ने अभी तक कंफर्म किया है और ना ही ट्रिपल एच ने इसके बारे में ज्यादा बताया। बस ट्रिपल एच ने ये बोला है कि इस साल WWE के ड्राफ्ट में सारे सुपरस्टार्स एलिजिबल हैं, और जब इस साल का WWE ड्राफ्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद एक बात कंफर्म है कि WWE का गेम चेंज होने वाला है। वैसे अब रिंग साइड न्यूज ने कंफर्म कर दिया है कि WWE का नेक्स्ट ड्राफ्ट अगले महीने 8 मई 2023 को होने वाला है, यानी कि WWE का ड्राफ्ट रेसलमेनिया बैकलैश के अगले दिन वाले मंडे नाइट रॉ में होगा। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिपल एच ने जो दावा किया है वो कितना सही होता है इस साल का ड्राफ्ट खत्म होने के बाद। तो नेक्स्ट वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए WWE ने अनाउंस कर दिया है कि ज़ेवियर वुड्स का सिंगल्स मैच LA नाइट के साथ होगा, और इसके अलावा शिंसुके नाकामुरा जो बहुत टाइम से WWE में नहीं आ रहे हैं वो भी नेक्स्ट वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रिटर्न आ रहे हैं, और हो सकता है कि शिंसुके नाकामुरा का मैच सोलो सिकावा के साथ फैंस को देखने मिले। तो इस हफ्ते के मंडे नाइट ड्रॉ को देखने के बाद WWE फैंस के दिमाग में बस यही चल रहा है कि क्यों आखिरकार ब्रॉक लेसनर हील टर्न हो गए और उन्होंने कॉडी रोड्स को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा है। तो हो सकता है कि आने वाले मंडे नाइट ड्रॉ में इस चीज का जवाब खुद द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके दे, क्योंकि WWE ने इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और उनकी खुद की वेबसाइट पर ये न्यूज डाली है कि ब्रॉक ने जो कॉडी रोड्स के ऊपर अटैक किया था उसके बाद क्या होने वाला है वो नेक्स्ट वीक मंडे नाइट ड्रॉ में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि WWE ने ये नहीं लिखा है कि ब्रॉक लेसनर या फिर कॉडी रोड्स नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में रिटर्न आ रहे हैं या नहीं। पर अगर कॉडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में आते हैं तो कॉडी रोड्स उनका बदला लेने के लिए ब्रॉक लेसनर पे चेयर से अटैक भी कर सकते हैं। वैसे ये बात तो 100% कंफर्म है कि इस साल रेसलमेनिया बैकलैश में ब्रॉक लेसनर वर्सेस कॉडी रोड्स का मैच आपको देखने मिलेगा। और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि इस मैच में आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हो, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को या फिर द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स को। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।